हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग स्पेशल फॉर एसएससी सीजीएल 2018। जी हाँ दोस्तों, इस 2018 में एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्जाम होगा, उसमें कोडिंग डिकोडिंग से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आज हम आपको यही बता रहे हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं ये वीडियो। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। रीजनिंग बाय रीजनिंग गुरु मिश्रा सर फॉर एसएससी बैंक रेलवे पुलिस फोर्स। मोबाइल नंबर 9708543314। हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग स्पेशल फॉर एसएससी सीजीएल 2018। जी हाँ दोस्तों, इस 2018 में एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्जाम होगा, उसमें कोडिंग डिकोडिंग से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आज हम आपको यही बता रहे हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं ये वीडियो। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग स्पेशल फॉर एसएससी सीजीएल 2018, जिसमें आज हम आपकी पार्ट वन की चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट वन में, क्योंकि एसएससी सीजीएल में यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग से, वो दो तरह का पूछा जाता है। क्या क्या? तो एक रहता है कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, और एक दूसरा रहता है जो दूसरा टाइप का, वो हम पार्ट टू में इसका जो चर्चा करेंगे। और रही बात जो कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये इस कोडिंग डिकोडिंग से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सो टाइप वन से आपका ये जो टाइप वन रहेगा और प्लस टाइप टू मिला करके, वो रहेगा आपको 2 से 4 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये 2 से 4 क्वेश्चन आपका इस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल 2018 में आपका ये फिक्स है, जो 2 से 4 क्वेश्चन आपका रहेगा, 4 क्वेश्चन फिक्स है। तो दोस्तों, आज हम पार्ट वन सीखते हैं, फिर इसके बाद हम इसको पार्ट वन जो है पार्ट टू जो है सीखेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो हमारा ये है पार्ट वन का, जो एक निश्चित कूट भाषा में गंगा को IYPEC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रिवर को क्या लिखा जाएगा, या फिर हमारा ऑप्शन रहता है, जो 4 ऑप्शन है। तो अब देखिए दोस्तों, जो ये जो हम बताते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है, इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिर्फ 2-3 बातों को जो है ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि आपका इंग्लिश अल्फाबेट का जो प्लेस वैल्यू है, जो हम इससे पहले आपको बता चुके हैं, और उसका रिवर्स मतलब उल्टा क्रम जो है, इसी सब बातों को जो है कुछ उलट फुलट करके जो है क्वेश्चन का जो है सेटिंग किया जाता है, अरेंज किया जाता है, बस वो चीज को आपको जो है समझना होता है। तो देखते हैं जो यहाँ पे क्या है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, गंगा यानी गंगा को क्या लिखा जाता है, LYPEC। तो हमको यहाँ पे मांग रहा है रिवर का, तो अब हम दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं जो गंगा, जो GANGA, तो गंगा को यहाँ क्या लिखा जाता है, IYPEC। तो अब हमको यहाँ क्या लिखा जाएगा, रिवर का बोल रहा है, RIVER, रिवर, जो रिवर के लिए। तो अब हम सबसे पहले यहाँ इस क्वेश्चन में बनाने के लिए, आप ये देखिए, जो ये जो मेरा यानी ये कोडिंग पार्ट हो गया और ये पार्ट हो गया डिकोडिंग,
तो यानी इसको अगर ये लिखा गया तो इसको क्या लिखा जाएगा, यही जो है जो हमसे पूछ रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है जी और यहाँ पे क्या लिखा है आई, तो हम अगर इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से चलते हैं तो जी के बाद क्या होता है एच आई, यानी दो कदम, यानी दो जो कदम जो है यहाँ क्या हो रहा है आगे बढ़ रहा है। तो यानी हम इसको बोल सकते हैं प्लस टू, प्लस टू। फिर हम देख रहे हैं जो यहाँ क्या है ए और यहाँ क्या है वाई, तो हम देख रहे हैं जो वाई, तो जैसे ए और वाई, तो यहाँ ए स्पष्ट हो रहा है जिस तरह जी के बाद यह क्या क्या है आई आई, तो यह स्वाभाविक बात है ये लग रहा है आगे बढ़ रहा है, उसी तरह ए है और आगे उसका वाई दिया गया है, तो ये इससे स्पष्ट हो जाता है क्या, तो ये जैसे रिवर्स आ रहा है, पीछे आ रहा है, हमारा पीछे आ रहा है। तो अब हम देखते हैं जो कि ना ए फिर वाई है, तो वाई के बाद जैसे क्या होगा जेड, और जेड के बाद फिर क्या आ जाएगा ए, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर माइनस दो, यानी दो बार जिस तरह जी में और आई में आगे बढ़ा उसी तरह ए और वाई में क्या हो गया दो बार पीछे आ गया। उसी तरह अगला है क्या एन और पी, तो एन के बाद जैसे हम देखते हैं ओ और पी, तो यहाँ ये फिर क्या हुआ दो बार क्या हो गया आगे बढ़ गया, तो यानी ये प्लस टू मेरा हो गया। आगे फिर हम देखते हैं जी और ई, तो यहाँ फिर हम देख रहे हैं जो जी और ई लिखा है, तो ई के क्या होता है मतलब पहले नहीं, मतलब ई के जो क्या होता है जो ई, तो ई मतलब पहले आएगा और जी क्या आएगा बाद में आएगा, तो यहाँ फिर वही माइनस वाला बात हो जाता है जो ई है, तो ई के बाद क्या होगा एफ और जी, तो यहाँ एक बार फिर क्या हो गया जो दो बार क्या आ गया हमारा पीछे आ गया, तो यानी ये जो है ई के क्या हो जाएगा माइनस दो। अब आगे क्या है ए और सी, तो स्वाभाविक बात है जो ए मेरा पहले आता है उसके बाद सी आता है, तो जैसे यहाँ ए है तो क्या हो जाएगा ए के बाद क्या होता है बी और फिर सी, तो यानी दो, यानी प्लस टू ये हो जाएगा। तो अब यहाँ एक चीज हम गौर करते हैं दोस्तों, जो ये जो मेरा एक कोडिंग जो अरेंज किया गया जो दो बार आगे करके और दो बार पीछे करके, तो ये तो अरेंजिंग तो हमें पता चल गया, और साथ से साथ ही साथ इसका एक मीनिंग और निकलता है। क्या निकलता है जो ये जो अरेंजिंग मेरा है ये क्या है, तो एक सीरीज में है, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं जो प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू और प्लस टू। हाँ, तो जो भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपको एसएससी सीजीएल 2018 में, तो ये जो मेरा एक सीरीज निकलेगा वो एक मतलब एक सीरीज रहेगा, एक उसको अरेंजिंग अपने हिसाब से वो सेट करेगा, लेकिन उसका कुछ मीनिंग रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा जैसे कि यहाँ आपको दे देगा जो प्लस वन माइनस सोलह प्लस बीस माइनस दस प्लस एट, तो ये कोई सीरीज नहीं होता है दोस्तों, ये सीरीज नहीं होता है ये बस, लेकिन हाँ, लेकिन ये एक मेरा सीरीज आ रहा है जैसे क्या प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू, लेकिन ये मेरा सीरीज नहीं हुआ प्लस वन माइनस सोलह प्लस बीस माइनस दस प्लस वन, जैसे कि प्लस वन माइनस चार प्लस वन माइनस चार माइनस दस माइनस बीस माइनस तीस माइनस ग्यारह, तो ये कोई सीरीज नहीं हुआ, तो इस तरह का आपको नहीं रहेगा। जी हाँ, इस तरह का नहीं रहेगा, ये हर हमेशा क्या रहेगा एक सीरीज में रहेगा। तो अब हमें ये पता चल गया है, तो अब हम इससे आराम से निकालते हैं। तो पहले बार क्या है प्लस टू, तो आर, तो आर के बाद हम क्या जाएंगे, आर के बाद क्या होता है एस टी, तो यहां मेरा क्या आ जाएगा टी टी, फिर आई, तो आई से हमको क्या करना है यहाँ क्या है माइनस दो, तो दो बार हमको जो है पीछे जाना है, तो यहाँ दो बार हम क्या पीछे जाएंगे, यानी क्या होता है तो जी एच आई, तो कहने का मतलब जो हमको यहाँ पे क्या करना है, तो आई के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, तो तब ना होगा एच आई यानी दो बार पीछे। अब यहाँ करना है भी, तो भी के लिए हमको फिर प्लस टू यानी दो बार आना जो आगे जाना है, तो भी के बाद क्या आता है भी के बाद क्या आता है डब्ल्यू और एक्स, तो यानी हमारा यहाँ क्या आ जाएगा एक्स। फिर आगे क्या है तो हमारा ई, तो ई के लिए फिर हमको एक बार पीछे जाना होगा, पीछे जाना होगा, तो ई के लिए क्या आएगा ई से जो पीछे आएंगे तो एक बार क्या आएगा डी, और फिर एक बार पीछे आना है तो यानी सी आ जाएगा, तो यानी दो बार अगर हम पीछे आते हैं तो यहाँ क्या आता है सी आ जाता है। फिर अब आर के लिए हमको क्या है दो बार हमको आगे जाना पड़ेगा, तो आर दो बार आगे जाएंगे तो यहाँ क्या होता है आर के बाद क्या होता है एस और टी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मेरा टी। तो अब ये जो आ गया इसका क्या हो गया यही मेरा आंसर निकल के आ गया, तो टी जी
TGXCT, यही मेरा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो अब हम इसको ऑप्शन में देखते हैं जी, यहाँ TGY है तो Y तो मेरा नहीं, X आ रहा है तो TGX यहाँ आ गया, फिर यहाँ D लगा तो ये भी नहीं हुआ, तो TGXCT जी हाँ, ये C नंबर ऑप्शन मेरा जो है वो 100% करेक्ट है, सही है। और यहाँ देखिए यहाँ क्या है, TGXC तो है ही और यहाँ T होना चाहिए तो यहाँ पे U दे दिया है, तो इसीलिए A B और C, या C में मतलब क्या है, A B और D मेरा गलत हो जा रहा है और C मेरा एकदम करेक्ट मिल जा रहा है। अब इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे अब कहा गया है जो किसी कोड में पाउंड को आर एस टी एल से कूट किया जाता है तो उसी कोड में हियर को कैसे कूट किया जाएगा, यानी पाउंड को आर एस टी एल, तो एप्पल के लिए जैसे हम यहां पे लिखते हैं जो पाउंड पी ओ एन डी पाउंड, पाउंड को यहां लिखा गया जो आर एस टी एल, तो अब उसी कूट भाषा में हियर एच ई ए आर हियर लिखा गया। तो अब हमको बस वही तरीका जो हम आपको पहले इससे बताए थे पहले क्वेश्चन के लिए जो वही लगाना है। तो अब यहां हम देख रहे हैं जो यहाँ पी, तो यहाँ पी को क्या लिखा गया, पी को लिखा गया यानी आर, तो यहाँ ये कितना बार आगे बढ़ा, तो यानी पी क्यू आर यानी दो बार हमारा क्या बढ़ा आगे, तो यहाँ प्लस टू हम इसको लिख सकते हैं। फिर देख रहे हैं यहाँ क्या है ओ, तो ओ को क्या लिखा गया एस, तो ओ के बाद क्या होता है ओ पी क्यू आर एस, यानी चार बार ये क्या हो रहा है आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस फोर। अगला क्या है एन, तो एन को क्या लिखा गया टी, तो यहाँ क्या है एन के बाद क्या होता है ओ पी क्यू आर एस और एक टी, तो यानी छह बार यहाँ आगे बढ़ा जा रहा है, जब एन से टी तक जाएंगे तो कितना छह बार, तो ये क्या हो जाएगा प्लस सिक्स, ये प्लस सिक्स हो जाएगा। आगे फिर क्या है D को लिखा गया L, तो अब हम यहां देख रहे हैं जो D के बाद क्या होता है D E F G H I J K L, यानी आठ बार, यानी आठ बार आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस एट, प्लस एट। तो बस अब हमको उसी तरह क्या करना है जो H से दो बार आगे बढ़ाना है, E को चार बार, A को छह बार और R को क्या करना है आठ बार बढ़ाना है। तो अब हम जैसे देख रहे हैं H को बढ़ाएंगे कितना दो बार, तो H के बाद क्या होता है ई एफ 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 जी एच, तो H के बाद क्या होता है आई जे हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा J आ जाएगा मेरा J। फिर E के लिए कितना चार बार है, तो E के बाद क्या होता है E F G H I, I हो जाएगा, यानी चार बार आगे बढ़ाएंगे तो I, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे I। फिर A के लिए कितना है छह बार, ए के लिए हमारा कितना है छह बार, तो यहाँ क्या हो जाएगा छह बार हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो ए बी सी डी ई एफ, एफ का छह होता है, तो यहाँ आराम से हम क्या लिख देंगे एफ लिख देंगे। आगे क्या है आर, तो आर के लिए कितना आठ बार हमको आगे बढ़ना है, आर के लिए हमको जो है आठ बार, तो यहाँ पे अब जैसे हम देख रहे हैं क्या जो R के लिए हम आठ बार हमको जो है आगे जो है बढ़ना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो R के बाद क्या होगा R S T U V W X Y Z Z, तो यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा Z आ जाएगा। तो अब आप एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं जो क्या ये मेरा एक सीरीज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ हम H के लिए मेरा क्या है, तो H के लिए यहाँ हम दो बार दिए है, तो H के बाद क्या होता है H आई जे, तो ये तो मेरा सही है। फिर ई के लिए मेरा क्या है, ई के बाद क्या होता है ई एफ और जी, तो यहाँ ई के लिए मतलब ई है और ई से मेरा कितना बार है चार बार, तो ई के बाद क्या होगा ई एफ जी एच आई हो जाएगा, यहाँ तो मेरा आई है। और ए के लिए मेरा यहाँ कितना बार रहा है छह बार, तो ए से हमको छह बार चलना है, ए के बाद क्या होता है ए B C D E F और G, जी हाँ ये पांच बार बढ़ा है इसीलिए, लेकिन ये छह बार हमको बोल रहा है, तो ये चीज क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। तो अब ये मेरा क्या हो गया करेक्ट हो गया, तो यहाँ आंसर मेरा अब क्या आ गया ये तो J I G Z। तो हम यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं जो J I G Z यानी ये C नंबर ऑप्शन मेरा क्या हो रहा है सही हो रहा है।
तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ेंगे। तो अगला मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, जो अगर किसी कोड भाषा में BRAIN को यानी ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है तो टेम्पल को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों बस कुछ नहीं करना है, जिस तरह हम आगे यहाँ बनाते आए हैं तो यहाँ पे क्या दिखा जो है लिखा गया ब्रेन, तो BRAIN ब्रेन, ब्रेन को क्या लिखा गया है तो CSBJO। तो अब हमको यहाँ मान क्या रहा है TEMPLE टेम्पल। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं जो इसमें कितना आगे या पीछे जो भी बात है वो मतलब क्या हो रहा है। तो जैसे B को यहाँ क्या लिखा है सी, तो यानी एक बार आगे बढ़ रहा है, तो यानी ये प्लस वन का सीरीज होगा। R, R के बाद S, तो यानी ये भी एक बार यानी प्लस वन इसको बोलेंगे। A को B लिखा यानी प्लस वन ये भी हो जाएगा। I को यहाँ क्या लिखा गया है तो G, यानी एक बार आगे यानी प्लस वन हम कहेंगे। N को क्या लिखा गया O यानी प्लस वन, ये क्या है तो प्लस वन का सीरीज है। तो अब हम देख रहे हैं जो इसी तरह टेम्पल में भी हमको क्या करना है एक एक लेटर को जो है बना देना है। तो T के बाद क्या होता है U, T के बाद यहाँ U आ जाएगा, E के बाद क्या आ जाएगा F, F, M के बाद क्या हो जाएगा N, N, और P के बाद क्या हो जाता है Q, Q हो जाएगा, L के बाद क्या हो जाएगा M, और E के बाद क्या हो जाएगा F। तो एक एक करके हम इसे बना दिए, तो अब ये मेरा क्या निकल गया आंसर निकल गया। तो अब हम इसको आंसर से मैच कर लेते हैं, तो यहाँ मेरा आंसर क्या दिया U F N Q M E। तो देखिए जो U F N Q M E यानी B नंबर आंसर जो है वो मेरा सही हो जाता है। तो दोस्तों यही था हमारा SSC CGL का जो है कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट वन, और इसमें सिर्फ इसी तरह के ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको सिर्फ ये देखना है जो कितना लेटर आगे जा रहा है और कितना लेटर पीछे आ रहा है। तो बस और इस टाइप से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको एकदम फिक्स है। तो दोस्तों हम यही कहेंगे जो आप इस SSC CGL 2018 के एग्जाम को पूरे जम करके पूरे मन से पूरे दिल से प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके साथ में हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुरु साक्षात पर ब्रह्म समय श्री गुरुवे। रीजनिंग बाय रीजनिंग गुरु।